हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 8 करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मिरातुल अखबार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, तथा राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के फलस्वरूप ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी में क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देना है, जिससे देश में नौकरी और रोजगार का बढ़ावा हो, और इस योजना के अंतर्गत भारत में छोटे और बड़े उद्योगों को आगे बढ़ावा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। कैसे हुआ इसका गठन? तो जब जेबीपी समिति बनी थी, तो जेबीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास के तेलुगु भाषियों ने श्री रामुल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये आंदोलन 58 दिन तक चला। 58 डेज के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य के गठन की घोषणा कर दी, और ये इसका गठन हो गया 1 अक्टूबर 1953 को, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्टील। स्टील मतलब इस्पात का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में हुए दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1934 के बम्बई के 49वें अधिवेशन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, तथा वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सीवान जिले में स्थित जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, तथा इन्हें 1962 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल चोलामू झील है, ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है, इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है। इसे मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसके साथ साथ इसका वर्णन डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। वो 5 ककार कौन कौन से थे? केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन्होंने लोगों से अपने नाम के अंत में सिंह लगाने को कहा था, तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को समाप्त किया था और ये कहा था कि अब गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम आयोग का संबंध किस गवर्नर जनरल या वायसराय से है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 to 1856। इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो इनाम कमीशन का उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना।
लॉर्ड डलहौजी अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, जिसके तहत उसने सबसे पहले किस राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, सतारा को 1848 में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है तथा इसी के समय में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने ही की थी। ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी कुछ सारा चीज बता दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोविंद पल्लभ पंत झील। ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में है? तो भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सब कुछ लिया गया है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाई ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाई ओर प्रवाहित होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाला भस्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। एक सामान्य मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm, और 120 को सिस्टोलिक प्रेशर और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो संविधान के 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। और सिक्किम की सीमा कौन कौन से देश से लगती है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। जलेपला के अलावा नाथुला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले घास एवं वनस्पति क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर होगा ट्रोपोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है? 730 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी तथा चौथी बार 1982-1984 तक बनी और 1984 में ही 31 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई। इन्हें 1971 में भारत रत्न मिला था जब ये प्रधानमंत्री थी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पीएम ही राष्ट्रपति को भारत रत्न के लिए नाम भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचेत बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। झारखंड में दामोदर नदी को देवनद के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी बाढ़ के लिए कुख्यात थी, इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता था? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग का वाहक परजीवी कौन सा है? तो इसका वाहक परजीवी बालू मक्खी है। किस परजीवी का ये वहन करता है? तो लिशमैनिया डोनावानी का। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं और इसका असर हमारे बॉडी के स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री देशांतर को कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।